अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं सेठी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। अब देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। पाकिस्तान में एक बस में बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 9 चीनी इंजीनियरों सहित 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को जेल भेजने के बाद दक्षिण अफ्रीका में बवाल जारी है। शहर में शॉपिंग मॉल में जमकर लूट की घटना हुई है। अब तक 72 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा 11वीं और 12वीं की क्लास 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा कांवड़ यात्रा को परमिशन क्यों दी गई। एक दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने रद्द की थी कांवड़ यात्रा। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विश्वबंधु राय ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह की जुबान पर रोक लगाई जाए, इनके बयानों के कारण कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गृह मंत्रालय से पूछा है कोरोना से मौत पर केंद्र सरकार को मुआवजा देना ही होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, लेकिन ये कितना होगा और किसे होगा और कैसे होगा, इस पर जवाब चाहिए। संसद के मानसून सत्र से पहले भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए पीयूष गोयल को राज्यसभा में अपना नेता चुना है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा एयर इंडिया का लोगो महाराजा है और मोदी सरकार ने इसे बेचने की जिम्मेदारी सिंधिया को सौंपी है। बघेल ने कहा एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं। टाइम मैगजीन ने 48 एथलीट की लिस्ट जारी करी है। लिस्ट में भारत के शूटर सौरभ चौधरी का नाम शामिल है। वे इसमें जगह बनाने वाले एकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। सौरभ ने अब तक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में 6 साल में 22 मेडल जीते हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।